हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल माई कार इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में लॉन्च होने वाली तीन बेहतरीन एसयूवीज के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं डिटेल्स। फ्रेंड्स, ह्युंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस जैसी एसयूवी मिड साइज सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और यह VW टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारों को कड़ी टक्कर भी देती हैं, जबकि दोनों एसयूवी कस्टमर्स के लिए एक मजबूत पैकेज पेश करते हैं। और फ्रेंड्स, कई कार ब्रांड वर्तमान में टाटा, महिंद्रा और होंडा समेत क्रेटा को चुनौती देने के लिए अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर काम कर रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स, हम आपको टॉप 3 अपकमिंग मिड साइज एसयूवी के बारे में बताएंगे, जो कि जल्द ही अगले कुछ दिनों में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारी पहले नंबर पर रहने वाली महिंद्रा XUV500 की बात करें तो महिंद्रा वर्तमान में ह्युंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, VW टाइगन, स्कोडा कुशाक जैसी कारों को टक्कर देने के लिए जल्द ही भारतीय बाजार में न्यूजेन XUV500 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जबकि महिंद्रा ने हाल ही में कुछ दिनों पहले इस एसयूवी को बंद कर दिया था। देश में इस अपकमिंग महिंद्रा एसयूवी के बारे में अधिक जानकारी अभी तक तो सामने नहीं आई है। बेसिक फीचर्स के अलावा XUV500 को एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर रहने वाली होंडा मिड साइज एसयूवी की बात करें तो होंडा भारतीय बाजार के लिए कई नई एसयूवी पर भी काम कर रही है, जिसमें एक न्यू मिड साइज की एसयूवी भी शामिल है जो होंडा सिटी 5th जेन के समान प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यह न्यू वेरिएंट में दो इंजन ऑप्शन 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर EHEV के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। और फ्रेंड्स, सिटी की तरह यह भी नई मिड साइज एसयूवी भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ पेश की जाएगी। और फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर रहने वाली टाटा कर्व की बात करें तो टाटा ने कुछ दिन पहले ही न्यू कर्व कॉन्सेप्ट का अनवील किया था, जो कि 2024 की शुरुआत में अपनी शुरुआत करने वाली है। नई कर्व एसयूवी को पेट्रोल, डीजल, साथ ही ऑल इलेक्ट्रिक समेत कई पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इस एसयूवी को अल्फा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा और इसमें एक बड़ा सनरूफ, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार्टेक, मल्टी स्क्रीन डैशबोर्ड और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। न्यू कर्व को डीजल इंजन के अलावा 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अधिक जानकारी ब्रांड द्वारा लॉन्च से पहले शेयर की जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्रेंड्स हमारी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके।